गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 कंप्यूटर के बुक से चैप्टर 6 यूजिंग द फ्लैश टूल के बारे में देखेंगे। यूजिंग द फ्लैश टूल फ्लैश एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज उसी फ्लैश में जितने भी टूल्स यूज किए जाते हैं उन टूल्स के यूजेस को आज हम लोग जानेंगे, आज उन टूल्स के यूजेस को पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजिंग द फ्लैश टूल्स। टूल्स का मतलब होता है जब हम होम पेज फ्लैश बोलते हैं और फ्लैश का जब होम पेज आता है तो एक टूल मेन्यू आता है हमारे पास। जैसे ही खोलेंगे हम फ्लैश तो इस तरह का एक मेन्यू आता है और उस मेन्यू में आपको बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको हम लोग फ्लैश टूल बोलते हैं। इस तरह का मेन्यू आपको खुलता है और उसी मेन्यू में हम लोग फ्लैश टूल्स को देखते हैं। बहुत सारे फ्लैश टूल्स होते हैं। आपके चैप्टर में सबसे पहले वही फ्लैश टूल्स का ही मेन्यू दिया गया है नाम के साथ। तो चलिए अब उस टूल्स में किन टूल्स का कौन कौन सा यूज होता है आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्लैश टूल में आता है लाइन टूल। लाइन टूल अब यहाँ पर इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है, जितने भी टूल्स हैं सबका मतलब उसी में छुपा हुआ है। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो लाइन टूल यूज टू ड्रॉ लाइंस। तो लाइन टूल का मतलब क्या हो गया, ड्रॉ लाइन। जब भी हमें लाइन खींचनी होगी तो कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, लाइन टूल का। यानी कि हमेशा स्ट्रेट में या फिर आप ऊपर से अप टू डाउन में जब भी हम लाइन खींचते हैं तो उसके लिए हमें कौन से टूल की जरूरत होगी, लाइन। ठीक है, अब उसके बाद पेंसिल टूल। पेंसिल टूल यूज टू ड्रॉ फ्रीडम लाइंस। फ्रीडम लाइंस का मतलब होता है कि आप कभी भी कहीं से कहीं आपको जिस हिसाब से मोड़ना, जैसे पेन से लिखते हैं तो जहां से शुरू करते हैं और जहां तक लिखना चाहते हैं जिस हिसाब से लिखना चाहते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो वही लाइन टूल में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी रेखा। लेकिन पेंसिल टूल में हमको जैसे ही यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे जैसे हमको ड्रॉ करनी है वैसा हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये फ्रीडम होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, जहां से जैसे ड्रॉ करनी है हम कर सकते हैं। ये हो गया पेंसिल टूल। अब तीसरा नंबर में आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का मतलब होता है ये स्क्वायर शेप वगैरह लेनी हो अगर हमें, तो हम रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। एक पॉइंट से लेंगे और जैसे ही जितना बड़ा हमें खींचना है इस पॉइंट से जितना बड़ा हमें रेक्टेंगल बनानी है उतना बड़ा हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल टूल। ब्रश टूल, हाँ एक चीज यहाँ पर पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है। इसके तीन तीन ऑप्शंस आते हैं, एक पतली रेखा पतला लाइन, एक उससे मोटा और एक सबसे मोटा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से हमें लाइन को लेनी है, ये वाला। उसी तरह से ब्रश टूल में भी आता है। तो ब्रश टूल ही यूज टू ड्रॉ थिक लाइंस। थिक लाइंस का मतलब मोटा लाइन। तो हम लोग पेंसिल में स्टीम को लेते हैं, ब्रश में इस तरह का मोटा लाइन लेते हैं। और यह भी पूरा का पूरा फ्रीडम लाइंस होता है, यानी कि जैसे हम इस मोटे लाइन को जिस तरह से हम यूज करना चाहें उस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल इज यूज्ड टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर लाइन ले रहे हैं। अब इस बीच में हमें ग्रीन व्हाइट ब्लू ब्लैक कोई भी कलर अगर फिल करनी है तो इस रेक्टेंगुलर टूल से हम यहाँ पर ये बना लेंगे और फिर पेंट बकेट टूल से इसके अंदर जो भी कलर हमको फिल करनी होगी वो कलर हम फिल कर सकते हैं। हम लोग पेंट में भी इस चीज को देखें, पेंट बकेट टूल एमएस पेंट में, आप लोग एमएस पेंट में पेंट बकेट टूल की मदद से कलर करने का काम करते थे। तो वही चीज सेम चीज यही है कि इस मेन्यू बॉक्स से हम लोग पेंट बकेट टूल लेंगे और वहां पर जहां पे कलर करनी है हम वहां पे कलर डाल सकते हैं। उसके बाद है इरेजर टूल। अब बाय द वे ये शेप हमारा गलत हो गया या फिर शेप हमारा सही शेप में नहीं ड्रॉ हो पाया तो अगर फिर से इसको हटा के दोबारा हमको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए इरेजर टूल लेंगे और इरेजर टूल से इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे, फिर से नए सिरे से उस टूल को है ना यूज करके हम फिर से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया इरेजर टूल। उसके बाद टेक्स्ट टूल। अगर हम अपने होम पेज पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल आप जानते होंगे कि इस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम पेज पे जो वर्कबुक होता है उस वर्कबुक एरिया में हम क्लिक करेंगे और जो नोट करना है, जो लिखनी है हमें, वो हम टेक्स्ट टूल की मदद से हम लिख सकते हैं अपने फ्लैश पे। उसके बाद है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू
ड्रॉन ऑन द स्टेज, यानी कि अगर इसको हमें सेलेक्ट करनी है, रेक्टेंगुलर शेप है तो अगर सेलेक्ट करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिलेक्शन टूल की। अगर हमको इसको सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जिस चीज को सेलेक्ट करना होगा उसके ऊपर आएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इज यूज्ड टू स्केल, रोटेट और डिस्टॉर्ट एनी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लैश। इट हैज फोर ऑप्शन। सबसे पहले फोर ऑप्शन से पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का, कि आप स्केल सीधी रेखा, रोटेट घुमाना है, सीधा का मतलब है ये, घुमाना का मतलब हो गया ये, इस तरह से हम स्केल, रोटेट, डिस्टॉर्ट एनी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लैश, जिस तरह से हम उसको घुमाना चाहें, राउंड में ले जाना चाहे, स्क्वायर में ले जाना चाहे, वी स्क्वायर में ले जाना चाहे, जिस तरह से हम शेप में उसको रखना चाहे, हम यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से उसको रख सकते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं, रोटेट एंड स्क्यू, स्केल, डिस्टॉर्ट एंड लास्ट एनवेलप। तो इस तरह से हम लोग फ्लैश के टूल का यूज करते हैं। इसमें आगे भी ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स है, टाइमलाइन पैनल्स है, लेकिन सबसे पहले जितने भी टूल्स के बारे में आज हमने बताया है आप उन टूल्स का यूज करेंगे, पढ़ेंगे और कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।